हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम बशार शफी, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा एक ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजी जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेक्स्ट 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो नीट एग्जाम है वो 5 मई को होने जा रहा है और अभी से लेकर उस डेट तक हमारे पास लेस देन 90 डेज बचे हैं। जैसे कि मैक्सिमम बच्चों ने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की होगी, क्योंकि जैसे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओपन करते हैं तो उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से इजीली रिएक्शन को याद रखना है और जो भी आपकी क्वेरीज इस टॉपिक के रिलेटेड है उन सभी को मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर को आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए। तो सबसे है यहाँ पे जीओसी, जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ये जो है बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको जीओसी अच्छी तरीके से आता है, ये आपके 11th का चैप्टर है, अच्छी तरीके से आएगा तो जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर है वो आपको इजीली आ जाएंगे। तो इस चैप्टर को जितना आप टाइम दे सकते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको मिनिमम इसको 2-3 दिन तो देनी चाहिए, तब जाके आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर आपका होल्ड बढ़ रहा होगा। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरीके से करेंगे बाकी चैप्टर्स फिर आपको ईजी लगेंगे। उसके बाद है हेलो एल्केनिज एंड हेलो अरेनिज, जिसको आपको 2 दिन लगेंगे। फिर है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर, जिसको आपको फिर से 2 दिन लगेंगे। फिर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलेज, जिसको आपको फिर से 2 दिन लगेंगे। फिर है अमीन, जिसको आपको 1 दिन लगेगा। फिर है बायोमोलिक्यूल्स, 1 और 3। और फिर है हाइड्रोकार्बन, जिसको आपको 1 दिन लगेगा कंप्लीट करने में। अब हम बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिसकी मदद से आप 12 डेज के अंदर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते। सबसे पहला आपको वीडियो लेक्चर देखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिएक्शंस है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर है, आपको वो खुद समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास एक टीचर होना चाहिए जो आपको एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। तो अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग वीडियोज़ देख सकेंगे, मल्टीपल वीडियोज़ देख सकेंगे एक टॉपिक के। तो आपको सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाना है और वन शॉट वीडियोज़ किसी भी टीचर का देखना है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती है। और अगर आप मेरी मानेंगे तो पंकज सर फिजिक्स वाला का बेस्ट टीचर है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई और टीचर से समझ आता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको काम करना है जो वन शॉट वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसको आपको 1.5x स्पीड पे या 2x स्पीड पे देखना है, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है कि आप धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे। आपको थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी अपनी और आपको एक चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर आपको वो करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और काम कीजिएगा, जब भी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो एनसीईआरटी को साथ में रखिएगा और एनसीईआरटी को हाईलाइट कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उनको एनसीईआरटी के अंदर एड ऑन करना है। और जो भी सर बोलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी एनसीईआरटी के अंदर लिखना है। अपनी एनसीईआरटी को आपको मॉडिफाई करना है, क्योंकि जब आप फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये अंदर से लगेगा कि नहीं, मैंने ये एक बार पढ़ा है, तो आपको उसके काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा एनसीईआरटी पढ़ने में। तीसरा पॉइंट, आपको फार्मूला शीट बनानी है। अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, आपको बेसिकली फार्मूला शीट बनानी है। जितने भी एक चैप्टर के अंदर रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, रिएजेंट्स है, उनको आपको एक सेपरेट शीट के ऊपर लिखना है और उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है, क्योंकि बेसिकली आपको कल को एग्जाम के अंदर एक रिएक्शन देंगे और बोलेंगे इसका नाम क्या है, या आपको एक नाम देंगे रिएक्शन का और बोलेंगे इसको लिखिए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिल रहे होते हैं। तो आपको सारे रिएक्शन पता होने चाहिए, किस रिएक्शन का क्या नाम है ये आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको देखना है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो किस तरीके से है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड की है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है लेकिन वो सिलेक्ट सारे नहीं होते हैं, सिलेक्ट वही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। और अगर आप मेरा मानेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आप कौन से क्वेश्चन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेक्चुअल क्वेश्चन, डीपी के अंदर जो क्वेश्चन है वो करने हैं, और जो आपके लेक्चर के अंदर क्वेश्चन है वो करने हैं, और अगर आपके पास कोई मॉडल है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिनिमम आपको हर एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 100 क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। अगर आपसे इतना नहीं हो पाएगा तो आप जो सिलेक्शन का ख्वाब देख रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, कि जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं नीट एग्जामिनेशन के अंदर वो इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ही है।
और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है जो कि आपको खाली थ्योरी पढ़कर क्लियर नहीं हो जाएंगी। और क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से ये ट्राई करनी है कि एक बार आपने कोई क्वेश्चन देखा फिर आपके माइंड के अंदर वो सेव होना चाहिए, कल को अगर आपके नीट एग्जामिनेशन के अंदर आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बार बार ट्राई कीजिए, बार बार समझिए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये आपको अच्छी तरीके से फिर आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, आपको रिवीजन करना है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, क्योंकि जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे वो आप ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। अगर आप आज कोई चीज़ पढ़ेंगे तो विद टाइम वो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें वो फिर से याद आ जाएंगी और वो आप भूलेंगे नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, आप इजीली भूल जाएंगे। अगर आपने आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा तो आप इजीली भूल जाएंगे। तो बस आपको काम करना है, जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई है वो अपनी टेबल्स के सामने चिपकानी है और उसको बार बार देखना है। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखनी है, क्योंकि अगर आप एक बार भूल गए तो आप फिर याद नहीं आ पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको चीज़ों को बार बार देखना है और मिनिमम आपको अभी 3 से 4 रिवीजन आप इजीली कर सकते हैं और आपको ज़रूरी करनी चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें सारी याद आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टेज आपको देने हैं। टेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी उसमें से कितना आपने रिटेन किया ये आपको खाली टेस्ट से पता चलेगा। और टेस्ट से आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है और किस तरीके से आपके अंदर जो डर है नीट एग्जाम को लेकर उसको आपको कम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको खाली टेस्ट से पता लग जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप जितने भी टेस्ट देंगे तो वो पेन पेपर फॉर्मेट के अंदर आप दे रहे होंगे। तो गाइस, ये थी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप इजीली 12 डेज के अंदर 13 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस वहां से आते हैं उनमें से आप मैक्सिमम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बस आपको जो चीज़ें मैंने बोली हैं उनको अप्लाई करना है और बस उनको फॉलो करना है। तो चलिए गाइस, आज की स्टडी के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।